हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल राइजिंग योर सेल्फ विद अंजलिका पे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कुछ पर्सनल एंड इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स जो मुझे लगता है कि हम सभी के पास होने चाहिए, हर गर्ल्स के पास होने चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत गर्ल्स को देखा है जो अपने पर्सनल हाइजीन का तो ध्यान रखती हैं बट कहीं ना कहीं इंटीमेट हाइजीन को अवॉइड कर देती है, उस पर उतना ध्यान नहीं देती। पर जितना पर्सनल हाइजीन ज़रूरी होता है उतना ही इंटीमेट हाइजीन भी हम सभी के लिए ज़रूरी है, उसका भी उतना ही ध्यान रखना हम सभी के लिए ज़रूरी है। सो आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स आप सबके साथ शेयर करूंगी। मे बी कि इनमें से आप कुछ प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो या सभी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो और मे बी कि यूज़ ना करते हो, तो मेरा आप सभी को यही सजेशन है अगर आप यूज़ नहीं करते तो इनको ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है और हम किसी भी बड़ी बीमारी से या किसी भी प्रॉब्लम से बचे रहते हैं। और इनमें से एक दो प्रोडक्ट ऐसा है कि जो इस टाइम ड्यू टू COVID-19 हम सभी को अपने पास रखना या उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम इस वायरस से बचे रहेंगे, क्योंकि अभी आप सबको पता है कि इसकी कोई वैक्सीनेशन या कोई मेडिसिन मार्केट में नहीं आई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट की जो मैं यहाँ बात करूँगी वो है हैंड सैनिटाइज़र। इस टाइम मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या आप बिल्कुल एक कह लीजिए एक बेसिक नीड है इस टाइम, एक हैंड सैनिटाइज़र और एक मास्क। बट मैं यहाँ बस आपको इतना आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक हैंड सैनिटाइज़र आप अपने बैग में ज़रूर रखिए, अगर आप कॉलेज गोइंगे या ऑफिस गोइंगे एक बैग में ज़रूर रखिए, अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो एक हैंड सैनिटाइज़र आप अपनी गाड़ी में भी ज़रूर रखिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम कोई ऑफिस से निकल रहे हैं, हमने डोर ओपन किया, अपनी गाड़ी का डोर ओपन कर रहे हैं, गाड़ी का जो भी आपका गाड़ी साफ़ करते हैं, गाड़ी को टच करते हैं, तो गाड़ी का अगर आप डोर ओपन कर रहे हैं या कोई भी सामान लेके आप ऑफिस से निकले हैं, कोई फाइल्स लेके निकले हैं या रास्ते में से कोई आपको सामान खरीदना है, तो जब कभी भी ऐसा होता है आप कुछ ऐसी चीज़ों को हाथ लगाते हैं जो और लोगों ने भी छुई हो सकती है, तो उस टाइम आप अपने हैंड पे सैनिटाइज़र लगा के हैंड को ज़रूर आप क्लीन कर लीजिए। और ऐसे ही आप अपने बैग में भी एक ज़रूर रखिए, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं या कहीं भी कोई चीज़ अगर आप कोई सरफेसेज आप टच करते हैं तो आप तुरंत उसके बाद अपने हैंड को अच्छे से सैनिटाइज ज़रूर कर लीजिए। तो ये इस टाइम मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो हम सभी के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेकंड प्रोडक्ट की जो मैं बात करूंगी यहाँ, वो भी इस टाइम ड्यू टू COVID-19 हम सभी के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है वन पेयर ऑफ ग्लव्स। आप चाहें तो इस टाइप के ग्लव्स आप रख सकते हैं, आप एक पेयर घर में रख लीजिए, एक पेयर आप अपने हैंडबैग या गाड़ी में रख लीजिए, और अगर आप इस टाइप का नहीं रखना चाहते, ये क्या है कि इसको रखने से आप जब इसको यूज़ करते हैं देन उसके बाद इनको सैनिटाइज कर दीजिए, अच्छे से आप वॉश कर दीजिए, देन सुखा दीजिए और दोबारा से आप इनको रीयूज कर सकते हैं। बट अगर आप ये यूज़ नहीं चाहते तो इस टाइप से जो यूज एंड थ्रो ग्लव्स आते हैं इनको भी आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने अमेजोन से लिए तो ये आई थिंक 150 या 160-170 रुपीज़ के 120 पेयर समथिंग कुछ आए। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, अगर आप भी इनको परचेज करना चाहते हैं तो आप इनको मंगा सकते हैं। तो इस टाइम वन पेयर ऑफ ग्लव्स आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं जैसा मैंने पहले भी बताया था, आप एक गाड़ी में भी ज़रूर रखिए या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो तो अपने बैग में ज़रूर रखिए, और आप अपने घर पर भी रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफिस से निकल रहे हैं तो हम घर का कुछ ग्रोसरी आइटम या कुछ वेजिटेबल्स या कुछ भी सामान हम खरीदते हुए घर जाते हैं, तो जब आप बाहर निकले या ग्रोसरी आइटम्स आप अपने परचेज कर रहे हैं तो ग्लव्स ज़रूर पहनिए। और इस टाइम मुझे नहीं लगता कि इस टाइम किसी को भी या मुझे कुछ इसमें बताने की ज़रूरत है, हम सभी को पता है कि मास्क ग्लव्स इस टाइम कितने ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये इस टाइम पे एक पेयर ऑफ ग्लव्स आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे बात करूँगी वो मैं बात करूँगी एक एंटीसेप्टिक लोशन की, लिक्विड लोशन तो नहीं है ये, एंटीसेप्टिक लिक्विड है। आप जब बाहर से आते हैं, आप ऑफिस से आ रहे हैं, आप मार्केट गए हैं सामान खरीदने के लिए, आप मॉल वगैरह गए हैं ग्रोसरी अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो बाहर से आने के बाद आप बात जरूर ले लीजिए, क्योंकि इस टाइम अगर आपके आसपास कोई इन्फेक्टेड बंदा है
आपको नहीं पता कि ये जो आप इन्फेक्शन है, जो कोरोना वायरस है, ये आपके कपड़ों से भी लग के आपके घर तक आ सकता है। तो जब भी आप बाहर से आते हैं, आने के बाद बात ज़रूर ले लीजिए, और जो भी आप अपना बात लेते हैं उस पानी में, आपके एक बकेट में इसका एक जितना इसका कैप है एक भर के आप ज़रूर मिला लीजिए। अगर आप सिथोल वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंपल जो डिटोल आती है उसको डाल लीजिए, बट जो भी एक एंटीसेप्टिक लिक्विड है आप ज़रूर अपने पानी में डाल के बात लीजिए। अगर आप कोई भी एंटीसेप्टिक लिक्विड नहीं आप यूज़ करना चाहते तो सिंपल आप एक बकेट भर के उसमें एक स्पून नमक डाल लीजिए, जो भी सॉल्ट हम घरों में यूज़ करते हैं, अपने किचन में यूज़ करते हैं, तो वो डाल लीजिए। देन उसके बाद नहा लीजिए, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा बारिश का भी मौसम है और बारिश में इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस टाइप से कोई भी एक लिक्विड आप लेके, कोई भी एंटीसेप्टिक लिक्विड लेकर बात ज़रूर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बेटर होगा कि आप अपने जो कपड़े वॉश करते हैं तो कपड़ों को वॉश करने के बाद उनको सुखाने से पहले सारे कपड़ों को आप एक बकेट में डाल के, आधी बकेट पानी लेकर उसमें डिटोल या सिथोल वगैरह डाल के अपने कपड़ों को डिप कर लीजिए, देन उनके बाद उसके बाद उसको आप सुखाइए, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा कि जो भी वायरस वगैरह का आपके कपड़ों में है तो उन सब से आप बचे रहेंगे। और आपकी एक जो इस टाइम वायरस से एक बचाव है, एक जो हमें बच के उससे रहना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो मैं बात करूंगी वो है वेट वाइप्स। इस टाइम वेट वाइप्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थोड़ा प्रोडक्ट है, ये जो मैंने परचेज़ किया है, मैंने 30 वाइप्स का परचेज़ किया है, बट अगर आप इसको अपने हैंडबैग में कैरी करेंगे तो उसके लिए आप 10 वाइप्स का परचेज़ कर लीजिए। गाड़ी में आप रखते हैं तो 10 वाइप्स का जो आता है, छोटा आता है, वो ईजी होता है अपने बैग में या गाड़ी में कैरी करना। और इसका आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या ज़रूरत है, कि इसको हम लोग गर्ल्स किस लिए यूज़ करते थे, कि हम अपने मेकअप प्रोडक्ट, अगर हमारी कोई लिपस्टिक ख़राब हो गई या काजल हमारा स्मज हो गया, ख़राब हो गया, आईलाइनर ख़राब हो गया, तो हम उसको पोंछ के और अपनी लिपस्टिक या काजल हम रीअप्लाई कर लेते थे। हमें टचअप देना है तो हल्का सा अपने फेस को क्लीन करके हम टचअप दे लेते थे, बट इस टाइम मुझे लगता है कि हमारे मेकअप से ज़्यादा हमारी पर्सनल हाइजीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको कैरी कीजिए, अगर आप कहीं, कई बार होता है कि वाटर नहीं है, आपको हैंड वॉश करना है, या आप जब सैनिटाइज़र आप अपने हैंड पे लगाते हैं तो एकदम अगर आप सैनिटाइज़र लगा कर आपको कुछ खाना है तो जो सैनिटाइज़र की स्मेल होती है ना, वो बहुत तेज़ होती है। आप कुछ खाएंगे ना तो लगेगा कि सैनिटाइज़र आपके मुंह में जा रहा है। तो अगर आपने अपने हैंड सैनिटाइज़ किए हैं और आपको कुछ खाना है तो देन उसके बाद आप वेट वाइप्स अपने हाथ को अच्छे से पोंछ लीजिए, तो वो आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं और कोई वायरस उन पे लगे होने का कोई ऐसा नहीं है कि कोई डर है या कोई ख़तरा है। तो इस टाइप से इसके बहुत ज़्यादा यूजेज हैं, तो ये भी आप अपने पास ज़रूर रखिए। और नेक्स्ट प्रोडक्ट की मैं यहाँ बात करूँगी एक डियो की। आप अगर आप डियो नहीं रखना चाहते या आपको कोई अपने बैग में कैरी करना है तो इस टाइप से आप एक छोटे साइज़ का परफ्यूम या डियो या रोल ऑन डियो आप अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं। ये जैसे मैं इंगेज का यूज़ करती हूँ, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, इतना रिफ्रेश कर देती है आपके मूड को, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है। ये जो है कूल एक्वा का है, इसको अपने मैं हैंडबैग में कैरी करती हूँ। कई बार होता है कि जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और आप डियो या परफ्यूम लगाना भूल गए हैं, या शाम को आपको कहीं जाना है। वैसे तो कहीं जा तो हम लोग नहीं सकते, कि अब तो शाम को कहीं जाने का, पार्टी में जाने का, क्लब जाने का एक सपना टाइप लगने लगा, कि शाम को हम क्लब जाते थे, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट मूवी के लिए जाते थे। बट फिर भी अगर आपको कहीं जाना है तो एक अपने बैग में आप छोटे साइज़ का आप रोल ऑन डियो या इस टाइप का जो भी परफ्यूम आती है, ये पॉकेट परफ्यूम आती है, उस टाइप को आप अपने हैंडबैग में रख लीजिए। और एक डियो भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, चाहे तो आप इस टाइप से डियो आप यूज़ कर सकते हैं या आप रोल ऑन डियो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग की वजह से जो एक स्मेल आपकी बॉडी से आती है वो दूसरों को तो ख़राब लगती ही है, वो खुद को भी ख़राब लगती है, तो उससे बचने के लिए आप एक पॉकेट परफ्यूम या रोल ऑन डियो आप ज़रूर रखिए। और मॉर्निंग के टाइम जब भी आप घर से निकलते हैं तो डियो ज़रूर अप्लाई करके निकलिए।
और नेक्स्ट मैं बात करूँगी माउथ वॉश की। मैंने देखा है कि बहुत लोग माउथ वॉश को अवॉइड करते हैं या समझते हैं कि बेकार की चीज़ है, इसका कोई यूजेस तो है नहीं, हमने तो ब्रश कर लिया है और ब्रश करने के बाद सफिशियंट है, माउथ वॉश करने की क्या ज़रूरत है। बट आप जैसे दोनों टाइम टूथब्रश करते हैं, बिफोर गोइंग टू बेड और मॉर्निंग में उठने के बाद हम ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने के बाद आप माउथ वॉश ज़रूर कीजिए। अगर मॉर्निंग में आप नहीं करते, आपके पास टाइम नहीं होता, तो नाइट में बिफोर गोइंग टू बेड आप ज़रूर माउथ वॉश कीजिए अपना ब्रश करने के बाद। आप जैसे ये मैं लिस्ट्रीन का यूज़ करती हूँ, अगर आप लिस्ट्रीन का यूज़ नहीं करते तो आप कोई मेडिकेटेड भी यूज़ कर सकते हैं। एक माउथ वॉश आता है हाइपरडेंट, आई थिंक हाइपरडेंट है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा आता है। ये आपको गम प्रॉब्लम से बचाता है, आपको बेड रिच जो होती है उससे बचाता है। और जो ब्रश हमारे दांतों के बीच में जाके दांतों को अच्छे से साफ़ नहीं कर पाता, तो ये पूरे दांतों में आपके पूरे मुंह को अच्छे से ये साफ़ करता है, आपको जम से बचाता है। और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी बेड ब्रीथ है या इवनिंग के टाइम या डिनर के टाइम आपने ऐसा कुछ खाया है कि जैसे हम गार्लिक वगैरह खा लेते हैं, तो मॉर्निंग के टाइम ब्रश करने के बाद भी बेड ब्रीथ की प्रॉब्लम रहती है, तो वो आपका ओवरऑल एक जो पर्सनैलिटी होती है, आपका जो इम्प्रेशन होता है दूसरों पर, बिल्कुल आपका इम्प्रेशन ख़राब जाता है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप माउथ वॉश मॉर्निंग में नहीं तो नाइट में ज़रूर आप यूज़ कीजिए। सो अभी तक जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए वो सभी प्रोडक्ट हमारे पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड थे, और अभी मैं जो प्रोडक्ट्स आप सबके साथ शेयर करूँगी वो हमारे इंटीमेट हाइजीन से रिलेटेड है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बात करूँगी इंटीमेट वॉश की। आप जैसे ये है क्लीन एंड ड्राई का इंटीमेट वॉश, या आप चाहें तो जैसे मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने गुड वाइब्स का मंगाया है, आप गुड वाइब्स का मंगा सकते हैं या वीवो उसका मंगा सकते हैं, किसी भी ब्रांड का जो आपको लगता है आपको अच्छा लगता है या आपकी स्किन को सूट करता है। तो आप अपना जो भी इंटीमेट एरिया होता है उसको वॉश ज़रूर कीजिए दोनों टाइम, आप जब शाम को आते हैं तो भी आप उसको वॉश कीजिए, मॉर्निंग के टाइम भी वॉश कीजिए। आप चाहें तो इंटीमेट वॉश जो होता है उसे आप एक टाइम वॉश कर सकते हैं, दूसरे टाइम आप थोड़ा सा वार्म वाटर लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, उससे वॉश कर लीजिए, बट दोनों टाइम आप ज़रूर वॉश कीजिए। और अगर आप इंटीमेट वॉश नहीं यूज़ करना चाहते तो डव सोप जो आता है, डव सोप से भी आप वॉश कर सकते हैं, ये भी बहुत माइल्ड सोप आता है, तो इससे भी आप अपने इंटीमेट एरिया को आप वॉश कर सकते हैं। बट आपकी पर्सनल हाइजीन के लिए आपका इंटीमेट एरिया को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, तो ये आप ज़रूर कीजिए दोनों टाइम नहीं कर सकते तो जैसा मैंने बताया था एक टाइम आप गर्म पानी कर लीजिए, हल्का सा गुनगुना पानी, उसमें एक चम्मच नमक मिला लीजिए, देन उसके बाद आप अपने इंटीमेट एरिया को, अपने वेजाइनल एरिया को आप क्लीन कर लीजिए, वॉश कर लीजिए। तो इससे ये आपको जो भी हमारा वेजाइनल एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है या कोई भी आपको विजाइनल एरिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, तो जितना आपका एरिया आप क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे, उतना ही आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। और नेक्स्ट मैं बात करूँगी हेयर रिमूवर की। मैंने बहुत गर्ल्स को देखा है कि हेयर रिमूवल के लिए जो वेजाइनल हेयर रिमूव हम करते हैं उसके लिए हम जो सिंपल आपका जो आर्म्स के लिए हेयर रिमूवर क्रीम आती हैं उसी को यूज़ कर लेते हैं, तो बट कभी आप उसके जो भी डायरेक्शन ऑफ यूज़ होता है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आप कभी उनको पढ़िए, वो आपके विजाइनल एरिया के लिए बिल्कुल नहीं होता। आपके विजाइनल एरिया में वो एलर्जी कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, या आपको स्किन से जुड़ी हुई उससे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो सिर्फ आपकी बॉडी के लिए होता है, आपकी हैंड के लिए होता है, आपके लेग्स के लिए होता है, या आप चाहें तो अपना अंडर आर्म्स जो आपके होते हैं उस एरिया को आप क्लीन कर सकते हैं, बट वो आपके वेजाइनल एरिया के लिए नहीं होता। तो अगर आप वैक्सिंग नहीं करते हैं, आप तो क्रीम यूज़ करते हैं, अगर आप रेज़र भी यूज़ नहीं करते, क्रीम यूज़ करते हैं, तो ये एवरटीन की क्रीम आती है, ये स्पेशली जो बिकनी लाइन एरिया होता है उसी के लिए ये होती है, तो आप इसी को यूज़ कीजिए। वो जो अदर क्रीम आप यूज़ करते हैं वो आपके बिकनी लाइन एरिया के लिए नहीं होती, वो उसमें
एलर्जी कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, जैसे मैंने बताया था। ये क्रीम आपको आराम से अमेजोन से मिल जाएगी, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और ये क्रीम ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है, ये 149 रुपीज़ की आती है। तो कई बार इस पर कुछ ऑफ़र भी आता है अगर आप दो परचेज़ करते हैं तो। ये भी आपके इंटीमेट हाइजीन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके उनमें से ये मस्ट हैव प्रोडक्ट्स हैं जो आपको जरूर रखना चाहिए। और नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो मैं बात करूंगी, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा एक पेंटी लाइनर। ये जो पेंटी लाइनर है ये केयर फ्री का, आप चाहे तो जिस ब्रांड के आप सैनिटरी पैड यूज़ करते हैं उसी ब्रांड का पेंटी लाइनर ले सकते हैं। बट पेंटी लाइनर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो वेजाइनल एरिया में जो भी इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है एक जो गीलापन की। आप जब वॉशरूम जा रहे हैं या अपने वेजाइनल एरिया को आप वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद अगर आप अच्छे से उसको ड्राई नहीं करते, अच्छे से आप नहीं पहुंचते तो उस गीलेपन की वजह से आपको एलर्जी भी हो सकती है या आपको इन्फेक्शन हो जाता है। तो एक पेंटी लाइनर मैं तो कहती हूँ कि पूरे महीने आप इसको यूज़ कीजिए, 30 डेज। एक पेंट बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही साइज में छोटा होता है और इतना थिन होता है कि आप जब इसको यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है। तो पेंटी लाइनर को आप ज़रूर यूज़ कीजिए, इसको यूज़ करके देखिए तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि पेंटी लाइनर आपके वेजाइनल एरिया के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी जो इंटीमेट हाइजीन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टाइप की कि आपको ईचिंग का कोई प्रॉब्लम है या आपको इन्फेक्शन हो जाता है या उस टाइप की कोई भी आपको वेजाइनल एरिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ये काफ़ी हद तक दूर करता है। क्योंकि जो ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है गीलेपन की वजह से। तो ये अगर आप पेंटी लाइनर यूज़ करते हैं तो उस टाइप की गीलेपन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो पेंटी लाइनर को आप ज़रूर 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 यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके इंटीमेट हाइजीन के लिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट की मैं बात करूँगी वो है टॉयलेट सैनिटाइज़र। मैंने बहुत गर्ल्स को देखा है कि टॉयलेट सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करती, बहुत गर्ल्स के मैंने ऑलमोस्ट गर्ल्स को देखा है टॉयलेट सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करती। बट टॉयलेट सैनिटाइज़र यूज़ करना बहुत 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 ज़रूरी है यार। आप जब ऑफिस का टॉयलेट आप यूज़ करते हैं या आप मॉल वगैरह जा रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट जब भी आप यूज़ करते हैं उससे आपको इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। और सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन आपको जब आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं तो वहाँ से ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो इस टाइप से आता है, जैसे हमारा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस टाइप से आता है जैसे हम डीओ यूज़ करते हैं। तो जब भी आप ऑफिस का टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं या आप कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो इससे आप अपना पूरा सीट जो आपका कमोड होता है पूरा सीट को आप सैनिटाइज़ कर लीजिए, देन उसके बाद आप इसको यूज़ कीजिए। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और ये आता है 99 रुपीज़ इसकी MRP है और इस पर डिस्काउंट वगैरह आते रहते हैं। तो ये भी आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और अपने हैंड बैग में आप इसको ज़रूर कैरी कीजिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।